नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 41 सालों बाद भारतीय मेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीता मेडल। फार्मेसी की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए है बड़ी खुशखबरी। दारोगा और सर्जन के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा की संभावित तारीख की मिली जानकारी। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी चिराग निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। भूमि सुधार विभाग में 4,353 नौकरियां देने की हो रही है प्रक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर विस्तार से। फार्मेसी की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार में फार्मेसी की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अगले सत्र से राज्य में 4 नए फार्मेसी कॉलेजों में फार्मेसी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर राज्य के 4 जिलों नालंदा, सिवान, रोहतास एवं बांका में नए सरकारी फार्मेसी कॉलेजों की स्थापना की गई है। इसके शुरू होने से राज्य में फार्मेसी की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को इससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। साथ ही इसकी पढ़ाई करने के लिए छात्रों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक नए फार्मेसी कॉलेजों में प्रत्येक में 60-60 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। इस तरह से 240 सीटों पर डी फार्मा की पढ़ाई हो सकेगी। यहां पढ़ाई शुरू करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी स्वीकृति मिल गई है। पंचायत चुनाव में वोटरों को गाड़ी से लाने वाले उम्मीदवारों पर होगी कार्रवाई। राज्य में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इसके लिए आयोग की तरफ से एक के बाद एक दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोई उम्मीदवार अगर पंचायत चुनाव के दौरान वोटिंग के लिए मतदाताओं को वाहन से लेकर आते हैं तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अवैध शराब के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस बाबत आयोग ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदा जाएगा और ना ही उसे किसी को पेश या फिर वितरित किया जाएगा। आयोग ने साफ लहजे में कहा है कि उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत अपराध घोषित हो सके। बिहार के 150 निकायों में कृषि से आवासीय हुई जमीन के कारण बढ़ा राजस्व। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान में जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, जिसके कारण निबंधन शुल्क में इस बार भी वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद सर्किल रेट में संशोधन नहीं होने के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष में करीब 1,000 करोड़ तक अधिक राजस्व आने की उम्मीद है। जानकारों की माने तो बिहार में 117 नए और अन्य निकायों के सीमा विस्तार के बाद करीब 150 नगर निकायों में जमीन की प्रकृति ही बदल गई है। अब इस परिवर्तन के कारण लगभग 150 नगर निकायों में कृषि योग्य भूमि अब बदलकर आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गई है। इस कारण जमीन का निबंधन शुल्क खुद ब खुद बढ़ गया है, जो अतिरिक्त राजस्व का माध्यम है। यही कारण है कि पिछले साल की तुलना में इस बार निबंधन विभाग की ओर से 5,000 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा गोल्डन आवर का पाठ। एक्सीडेंट के 1 घंटे के भीतर अगर फर्स्ट एड मिल जाए तो आधे से अधिक घायलों की जान बचाई जा सकती है। इसी 1 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है और बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को गोल्डन आवर का महत्व बताने को लेकर तैयारी हो रही है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि गोल्डन आवर का महत्व बताने के लिए 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन से संबंधित लिखित प्रतिवेदन मांगा गया है, जिसे आने वाले समय में हाई स्कूल के सिलेबस में भी शामिल किया जा सकता है। इस ट्रेनिंग में CPR की भी ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी, जिससे अचानक से किसी को हार्ट अटैक आने पर CPR देकर घायल की जान बचाई जा सकती है। 41 साल बाद भारतीय मेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीता मेडल। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने आज जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहे ओलंपिक खेलों में इतिहास रच दिया है। टीम ने एक बेहद रोमांचक ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 सालों के बाद कोई मेडल को अपने नाम किया है। इस दौरान 8 बार की ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की 3रे नंबर की भारतीय टीम एक समय मुकाबले में 1-3 से पिछड़ चल रही थी, लेकिन दबाव से उबरकर उसने 8 मिनट में 4 गोल दागकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। मैच में कई ऐसे क्षण आए जब ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथों से मेडल फिसल जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों ने सही समय पर दबाव से बाहर निकलकर न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि पिछले 4 दशक से भारत के मेडल जीतने के सूखे को भी समाप्त किया। वाणिज्य कर विभाग 2 दर्जन फर्जी कारोबारों पर करेगा कार्रवाई। सूबे में फर्जी पता पर कारोबार करने वाले 2 दर्जन फर्म वाणिज्य कर विभाग के शिकंजे में आए हैं। ये सभी कारोबार घोषित पते पर नहीं हो रहे थे। इन कारोबारियों को टैक्स चोरी और बिल ट्रेडिंग करने का आरोपी माना जा रहा है। इन्होंने करीब 380 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। वाणिज्य कर आयुक्त के मुताबिक विभाग की 33 टीमों ने मंगलवार को पटना में 13, सारण में 10, भागलपुर में 1, दरभंगा में 3, मगध में 4 और पूर्णिया में 2 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें से 24 फर्मों को गलत पाया गया है। इन पर फर्जी कागजात के आधार पर निबंधन करने का शक है। साथ ही करीब 55 करोड़ रुपए के फेक ITC के जरिए टैक्स चोरी का पर्दाफाश भी किया गया है। फिलहाल इन सभी फर्मों की जांच चल रही है, जिसके बाद कोयला, आयरन, स्टील और लैपटॉप के इन फर्जी कारोबारियों पर कार्रवाई होगी।
दारोगा और सार्जन के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा की संभावित तारीख हुई तय। बिहार पुलिस में दारोगा और सार्जन के 2213 पदों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए संभावित तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसके मुताबिक 5 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा हो सकती है। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। इसे लेकर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने संभावित तारीख को लेकर सभी जिलों के डीएम को तैयारी के लिए पत्र लिखा है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर आयोग ने दिसंबर में परीक्षा को आयोजित करने का निर्णय लिया है। बताते चले कि साल 2020 में दारोगा और सार्जेंट के 2213 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें दारोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पद शामिल हैं। इसके लिए करीब 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के कारण सरकार से इजाजत मिलने के बाद अब परीक्षा को अविलंब लिया जाना है। भूमि सुधार विभाग में 4353 नौकरियां देने की हो रही है प्रक्रिया। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नौकरी करने का सुनहरा अवसर आने वाला है और इसकी पूरी प्रक्रिया आने वाले 2 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। इस बात की जानकारी बीते दिन विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने दी है। उन्होंने कहा कि विभाग में कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए अक्टूबर महीने तक 4353 पदों पर बहाली की जाएगी। इनमें से 1767 अमीनों और 536 राजस्व कर्मचारी की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भाग को अब हाई टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया जा रहा है, जिससे किसान दुनिया के किसी कोने में भी रहकर अपनी जमीन का रसीद कटवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। मोतिहारी चीनी मिल को बकाया राशि भुगतान करने का मिला सरकारी आदेश। मोतिहारी के बंद पड़े हनुमान चीनी मिल में श्रमिकों और गन्ने किसानों को लंबे समय से राशि का भुगतान अटका कर रखा गया है। इस मामले में बीते दिन गन्ना विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने समीक्षा की, जिसके बाद मंत्री ने मोतिहारी चीनी मिल प्रबंधन को सख्त चेतावनी जारी करते हुए 15 दिनों के अंदर बकाया भुगतान को करने का आदेश दिया है। मंत्री ने मिल के प्रबंधक और अधिकारियों को मिल की संपत्ति बेचकर श्रमिकों और किसानों का बकाया भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही मोतिहारी चीनी मिल के बकाए और उसकी संपत्ति की रिपोर्ट को भी 15 दिनों के अंदर देने को कहा है। मामले में गन्ना मंत्री की ओर से सख्ती दिखाते हुए कहा गया कि 27 अगस्त को वे इस मामले की फिर से समीक्षा करेंगे। केरल और पूर्वोत्तर राज्यों से बिहार आने वाले लोगों की हो रही है कड़ी निगरानी। बिहार में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत सरकार ने मामलों में वृद्धि होने से पहले ही ऐसे राज्यों से आने जाने वाले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसे लेकर केरल और पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले को लेकर खास निगरानी रखी जाएगी। इन राज्यों से पटना जंक्शन, दानापुर और राजेंद्र नगर स्टेशन के अलावा बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों की जांच शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। बताते चले कि केरल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना केस में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में वहां से आने वाले यात्रियों की एंटीजन टेस्ट के साथ ही आरटीपीसीआर जांच के लिए भी भेजे जाएंगे। साथ ही ऐसे लोगों को 1 सप्ताह तक होम आइसोलेशन में रहने की भी सलाह दी गई है। लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए एसटीईटी का आयोजन करेगी शिक्षा विभाग। राज्य में अब लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग पूरी तैयारियां कर रही है। इसे लेकर अब इस महीने ही बिहार बोर्ड को एसटीईटी आयोजित करने का प्रस्ताव मिलेगा, जिसके बाद एसटीईटी में पात्र अभ्यर्थियों में से ही लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियोजन की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। बताते चले कि शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से पदों की जानकारी मांगी थी, जिसमें अब तक 700 पदों की पहचान हो सकी है। जानकारी के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत अब मिडिल स्कूलों में भी पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं, जिसके तहत मिडिल स्कूलों में भी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। अब आईएसबीटी बैरिया से देर रात तक खुल सकेंगी लंबी दूरी की बसें। राजधानी पटना के नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस स्टैंड में बने नए इंटर स्टेट बस टर्मिनल आईएसबीटी से अब देर रात होने पर भी लंबी दूरी तक जाने वाली बसें खुल सकेंगे। इसे लेकर राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बताते चले कि मीठापुर बस स्टैंड को यहां शिफ्ट किए जाने के बाद से ही अब दूसरे राज्यों के लिए भी बसें यहां से खुलने लगे हैं। इसके लिए लगातार कई दिनों से बस मालिक और ट्रांसपोर्ट कंपनियां सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रहे थे। फिलहाल यहां बिहार पुलिस के 45 जवानों को तैनात किया गया है, साथ में पुलिस पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 50-50 की संख्या में निजी पुलिसकर्मी भी अलग अलग शिफ्ट में अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही लंबी दूरी के यात्रियों के लिए भी अन्य कई सुविधाओं को बहाल करने को लेकर काम हो रहा है, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। राज्य में 4 नए नेशनल हाईवे के अलाइनमेंट को मिली मंजूरी। सूबे में 4 नए नेशनल हाईवे के अलाइनमेंट को बीते दिन बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 7 नए एनएच के निर्माण को लेकर अधिकारियों को केंद्र के समक्ष अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि इन सड़कों की मंजूरी के साथ ही पटना से कोलकाता, दिल्ली और वाराणसी की दूरी कम हो जाएगी और नई कनेक्टिविटी मिल पाएगी। इस दौरान मोकामा मुंगेर फोरलेन पथ के तहत मोकामा से मनोहरपुर होते हुए लखीसराय के दक्षिण से मुंगेर तक ग्रीनफील्ड नए फोरलेन
के अलाइनमेंट की मंजूरी दी गई। इसमें सरमेरा से मनोहरपुर तक 20 किलोमीटर लंबी सड़क भी शामिल होगी। इसके बन जाने के बाद बक्सर से पटना होते हुए मोकामा मुंगेर के माध्यम से भागलपुर मिर्जा चौकी तक फोर लेन पथ भी पक्का हो जाएगा। इसके अलावा बक्सर चौसा वाराणसी नए फोर लेन के अलाइनमेंट को भी मंजूरी दी गई है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी चिराग निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। जमुई सांसद चिराग पासवान एक तरफ बिहार की राजनीति में जमीन से जुड़ने की कवायद में आशीर्वाद यात्रा का सहारा ले चुके हैं, वहीं अब इस यात्रा के जरिए वे यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की मजबूत स्थिति बनाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर आजादी के दिवस यानी कि 15 अगस्त से लोजपा प्रमुख चिराग पासवान यूपी में अपनी आशीर्वाद यात्रा को शुरू करेंगे। इस बात की जानकारी एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बिहार के साथ साथ चिराग पासवान यूपी के बलिया, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, भदोही और मिर्जापुर में अपनी आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। बुरे दौर को याद करके भावुक हुए कप्तान कोहली। भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरे दिन का टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस पूरे सीरीज को लेकर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली से काफी उम्मीदें की जा रही हैं कि वह बड़ी पारी खेलेंगे। इस बीच विराट कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बुरे दिनों को लेकर काफी भावुक हो गए। कोहली ने कहा कि लंबे समय तक इस स्तर पर खेलते हुए आप थोड़े असुरक्षित और भयभीत हो जाते हैं। आप लोगों को साबित करना चाहते हो कि आप अलग अलग परिस्थितियों में कितना अच्छा खेलते हो। बताते चले कि कोहली का 2014 में इंग्लैंड का दौरा निराशाजनक रहा था, जिसमें उन्होंने 10 पारियों में 13.5 शून्य के औसत से रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वापसी की और टेस्ट सीरीज में 692 रन जोड़े। वहीं कोहली ने इस बाबत ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले हर विदेशी दौरे को इंजीनियरिंग की परीक्षा के जैसा बताया, जिसमें उन्हें किसी तरह पास होना था। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच पहली पारी का खेल देखते हुए किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।